कर दिया कि इसको हम इस अंदाज से हरगिज नहीं करेंगे। 19 क्या होता है? 19 को हम ये भी कह सकते हैं 20-1। ओके, ये तरीका नहीं होगा। क्या होगा? 20-1। 20 कैसे हो जाएगा? ये रहा 10। अच्छा, इसको भी मैं आपको फैक्टर बना दूं। 20 है तो 10+10-1। अब देखें 19 में 20-1 और 20 में 2 10s-1। ओके, ये हमने इसको इस तरह से नोट डाउन कर लिया। 10 मीन हियर इज 10+10 और फिर इसके साथ हम 1 माइनस करेंगे। ओके, और जब हम माइनस करते हैं तो आपको याद हो कि हम इन दोनों में से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको पहले लिख देंगे, यानी ये हो गया 10। और इन दोनों चीजों को किस अंदाज से हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9। ओके, यानी 10 और ये 19। अब यहाँ पे देखें, आप गौर से देखें, ये 10 है और ये 9 है, पीछे आपके पास 1 वाली लाइन लगी है। मैंने आपसे बताया था ना, अगर आपके पास ये 10 है, इसके साथ हम यहाँ लगाते हैं लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, 11। लेकिन अगर हम ये 10 लिखेंगे, इसके पीछे लाइन आ जाएगी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 9। ओके, तो इस तरह से ये हो गया 10 और ये हो गया 9। अब इजी हुआ, यानी ये 10 है और ये 9 है। जैसे हमने यहाँ पे 11 लिखा, ये रहा, ये 10+1 मिला तो क्या बन गया, 11, यहाँ पे 9। अगर हम बाद में लगाएंगे तो 11 और अगर पहले लगाएंगे 1 तो ये 9 हो जाएगा। अब हमारा 19 का फॉर्मेशन हो गया। 19 के बाद 20, सो मच इजी, 10, 10, 20, क्लियर। अगर इसी तरह से हम, अब आपने देखा कि हमने 10 तक किया था, 10 में हमने 1 ऐड किया, 11, 12, 13, इसी तरह से 20 है, जब 21 लिखेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10, 10, 20, 1। अब हमें पूरी फॉर्मेशन करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि हम इसमें किस तरह से 1 लगा रहे हैं, किस तरह से 2, then 3, और फिर फर्दर हम इसी तरह नोट डाउन करते जाएंगे। अब अरेबिक नंबर में हमारे पास 22 मीन 10, 10, 22, 22, 23, 10, 10, 20, and 3, 23। अब इसके बाद 24, रोमन न्यूमेरल्स में क्या आ जाएगा, अब आपके पास ये हो गया 10, 10, 20, और वही बात जो मैंने आपको यहाँ 9th में क्लियर की, 9 किस तरह से होगा, 11 किस तरह से होगा, इसी तरह से अब हम आपको बताते हैं 4। अब देखें ये क्या है, 5, 5+1 और 5-1, ये रहा 5+1, इट्स मीन ये 5 है और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6। लेकिन अगर हम 5 लिखें और 1 माइनस कर रहे हैं, यानी 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो इस V से पहले हम 1 लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। ओके, यानी अगर हम ये वाली 1, जैसे हमने यहाँ पे आपने देखा हो कि 19 से पहले 1 लगाया था, इसी तरह से हम यहाँ पे भी यही करेंगे। तो ये क्या हो गया, 10, 10, 20, and 4, 24, 25, 10, 10, 20, and 5, 25। ठीक है, यहाँ तक ये आपको आई थिंक सो समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हम करते हैं आगे सॉल्व। 25 हो गया, 25 के बाद से
जी अब हमारे पास यहाँ पे जी क्लास। अच्छा साथ साथ आप ये भी देखते जाइए कि अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, 25 के बाद 26। अब रोमन न्यूमेरल आपको आ गया होगा किस तरह से इसको करना है। अब इसकी फॉर्मेशन की इतनी नीड नहीं है, लेकिन जहाँ नीड होगी वहां मैं आपको उसको जिस तरह फॉर्म करना है वो बता दूंगी, ताकि आपको लिखने और समझने में आसानी हो। ये देखिए 10, 10, 20 and 6 याद आ गई मेरी बात, यानी 5 + 1। अगर यहाँ पे आपके राइट साइड पर 1 लगता है तो क्या हो जाएगा, ये 6। लेकिन अगर लेफ्ट साइड पर है तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये है आपके पास 26, 27, ये हो गया 20, ये 7, ये हो गया 28, 28, 29, 20 और 9, 9 वाली बात आपको याद होगी। ये देखिए, ये देखिए 9, यानी अगर हमने लेफ्ट साइड पे 1 लगा दिया तो ये क्या हो गया, 9, 29।